हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है हमारे वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि व्हाट्सएप के बारे में आज का ये वीडियो होने वाला है। जैसे कि हम बात करते हैं व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप जो है एक सबसे ज्यादा मतलब चैटिंग का, मैसेजिंग का, इंस्टेंट मैसेजिंग का एप्लीकेशन माना जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा लाखों मिलियंस में मतलब डेली मैसेज आते हैं, डाउनलोड होते हैं, लोग एक दूसरे को सेंड करते हैं। आज जिस चीज के बारे में बात करने वाले अपने थंबनेल में देखा होगा, अगर जैसे कोई आपका जैसे मैसेज आपको भेजा और उसके बाद उसको डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया, तो आपको ये जिज्ञासा होने लगती है यार इसने क्या भेजा था, क्या भेजा था उसने और हमें इसे पढ़ना है। तो इसको कैसे आप मतलब रीड कर सकते हो, डिलीट किया हो भी मैसेज कैसे रीड कर सकते हो, उसके बारे में बताने वाला। हालांकि मैं एक चीज और क्लियर करूं, व्हाट्सएप की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, ये इसको करने के लिए जुगाड़ लगानी पड़ेगी। वो जुगाड़ क्या है उसके बारे में हम बताने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए ध्यान से। तो बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप यूज करेंगे, व्हाट्सएप डिलीट के नाम से आता है, ठीक है। उसको आप जाके डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, फिर वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे कि जनरली बाकी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो, अलाउ करते हो, नेक्स्ट करते हो, उसके बाद उसको फुल एक्सेस परमिशन देते हो, तो सेम इसमें भी वही चीज करना है ताकि वो एप्लीकेशन प्रॉपर वर्क कर सके। और उसके बाद फिर आपको व्हाट्सएप में जाना, सेटिंग में जाना, डेटा एंड प्राइवेसी में जाना। तो वहां पे ऑप्शन आएगा कि आपको यहाँ पे आता है ना पिक्चर डाउनलोड सारी चीज ऑटोमेटिक, मतलब एक ऑप्शन होता है आप चाहो तो जिस पे क्लिक करोगे वही डाउनलोड होगा, लेकिन एक बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आता है कि आप ऑटोमेटिक मतलब डाउनलोड हो जाएगा आपका। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो उस ऑप्शन को। अगर आप चाहते हो कि वीडियो मेरा ऑटोमेटिक ना डाउनलोड हो, जब हम क्लिक करें वीडियो में तभी जाकर डाउनलोड हो, तो वो भी कर सकते हो। तो उससे क्या होता है, स्टोरेज बचता है, लेकिन इस कंडीशन में आपको ऑटोमेटिक करना पड़ेगा कि वो वीडियो मतलब वीडियो पिक्चर आपका जो भी उसमें चार ऑप्शन होते हैं वो आपको करना पड़ेगा। वो आप अलाउ करोगे तभी ये फीचर काम करेगा, पहली बात ये बता दे रहा हूँ। अगर जैसे आपने ये कर दिया, फिर आप अगर कोई भी आपका मैसेज मतलब आपको मैसेज भेजता है या बाय डिफॉल्ट किसी तरीके से आ जाता है, वो डिलीट फॉर एवरीवन कर देता है, तो जब वो एप्लीकेशन आपकी ऑन एप्लीकेशन पे आप जैसे ओपन करोगे, तो आपका मैसेज वो जो डिलीट किया हुआ मैसेज था वो आपका तुरंत रीड में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग यूज करना, यूज करके बताना कि कैसा मतलब एप्लीकेशन हो रहा है। मैंने तो एक बार ट्राई करके देखा था, तो मुझे लगा अच्छी है एप्लीकेशन, आप यूज कर सकते हो एक बार, और यूज करके कमेंट करके बताना कि कैसा मतलब यूज में आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है, ठीक है दोस्तों। और आपका मैसेज रिकवर होता कि नहीं होता, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि उसी के ऊपर वीडियो है। तो अगर रिकवर नहीं हुआ तो कोई मैंने करके देखा तो यूज हुआ, ठीक है, तभी मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया, ठीक है दोस्तों। तो एक छोटा सा वीडियो था, इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, तो मैंने सोचा आप लोगों को बात किया, क्योंकि क्या होता है ना कि लोग जब डिलीट मैसेज पढ़ने की बड़ी जिज्ञासा हो जाती है, भाई इसमें क्या आया था, क्या आया था, तो वो आप एप्लीकेशन जैसे ओपन करोगे तो उसमें आपको रीड आप आ जाएगा कि ये मैसेज ने क्या किया था, मैसेज है, वीडियो है, सारी चीजें आ जाएंगी आपको। मतलब जैसे कोई भी चीज वीडियो डिलीट मारते हो तो भी एवरीवन हो जाता है, डिलीट सारी चीजें डिलीट हो जाती है जब से व्हाट्सएप ने किया है, लेकिन उसमें भी टाइम है, इतने दिन इतने घंटे के बाद आप करोगे तो डिलीट फॉर एवरीवन नहीं होगा। तो इसलिए ये जुगाड़ है एक, इसको आप व्हाट्सएप के मतलब मत समझना कि व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन, ऐसा कुछ नहीं, ये एक जुगाड़ से आप इसको देख सकते हो। हाँ, अगर आप ये स्टेप फॉलो करोगे तो 100% आपका वर्क करेगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि व्हाट्सएप डिलीट के नाम से एप्लीकेशन है, इसको आप इंस्टॉल करना, इसको परमिशन देनी सारी। आप लोगों को समझ में आया होगा तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में। हाँ, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर कर देना। इससे क्या होता है, अगर हम ऐसी कोई वीडियो डालते हैं, हमारे डेली या वीकली 3 वीडियो मेरा टारगेट रहता है डालने का, ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा और आप लोग उसको देख पाओगे कि क्या वीडियो में आई इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक मारना जरूर, दोस्तों में शेयर करना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक है दोस्तों। हाँ यार, लाइक मारने से होता है मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा कोई बहुत ज्यादा उसमें वो है, तो बिना लाइक किए मत जाना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में।